लुधियाना के फिरोजपुर रोड स्थित HDFC बैंक की पाड़ेवाला शाखा के बाहर लुटेरों ने बैंक में पैसा जमा करवाने आए एक कर्मचारी से बंदूक की नोक पर 18 लाख रुपए की राशि लूट ली। पीड़ित कर्मचारी यह राशि बैंक में जमा करवाने के लिए आया था। इस वारदात की पूरी घटना बैंक के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। CCTV फुटेज के अनुसार जब निजी कंपनी का कर्मचारी अपनी कार के पिछले दरवाजे से नीचे उतरकर रुपयों से भरा बैग लेकर बैंक की तरफ बढ़ा तो बैंक के मुख्य द्वार से कुछ ही दूरी पर मुंह ढके एक लुटेरा अपने एक अन्य साथी के साथ दौड़ा हुआ उस व्यक्ति पर लपक पड़ता है, जिससे कैश जमा करवाने आए कर्मचारी का बैग जमीन पर गिर जाता है और आरोपी उस बैग को उठा लेता है, जबकि दूसरा लुटेरा कार की अगली सीट पर बैठे कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड से फिरते हुए वहां से भाग निकलता है। आज 2:30 बजे के आसपास ये प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के लोग कैश कलेक्ट करके इतने HDFC बैंक में जमा करने के लिए आ रहे थे, तो क्रेटा कार से दो लोग बाहर निकले और उन्होंने बैग स्नैच कर ली। इनके कहने के मुताबिक बैग में 18 लाख रुपए थे और उन्होंने फायर भी किया इनके ऊपर और एक गाड़ी भी फायर लगा हुआ है और सिक्योरिटी गार्ड साथ में था। सिक्योरिटी गार्ड ने भी इंटरलेशन फायर किया, कोई इसमें इंजर्ड नहीं हुआ है, लेकिन 18 लाख रुपये लूट के ले गए। क्रेटा में कितने लोग सवार? क्रेटा में अंदर कितने लोग थे पता नहीं लगा, लेकिन क्रेटा के बाहर दो लोग निकले, तो एक ड्राइवर होगा और बाकी के दो लोग, उन्होंने दो फायर किए। CCTV फुटेज सामने आई हुई है और हमारी टीम लगी हुई है और जल्दी उसको ट्रेस कर लेंगे।